हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है इस चैनल पर एकदम निःशुल्क करवाया जा रहा है आपको। तो इसमें हमने दो पोइम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो ओन हीज ब्लाइंडनेस जो कि जॉन मिल्टन की थी, और दूसरी पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो कि जॉन डन की थी। दोस्तों, ओन हीज ब्लाइंडनेस पोइम का पूरा टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन किया हमने, और अब तक आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन ऑन हिज ब्लाइंडनेस से 2011 से 22 तक के पूछे गए थे, उन सब का हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताया है। सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, और उसके बाद हमने गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोइम को भी एक्सप्लेनेशन को पूरे को पढ़ा है। और उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं डेफोडिल्स पोइम की। तो डेफोडिल्स पोइम से रिलेटेड सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे, कब लिखी गई थी ये पोइम, किसने लिखी थी ये पोइम, और इस पोइम से अब तक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी की बात आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे डेफोडिल्स की, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोइम थी। अगर आपने डेफोडिल्स का फूल नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए, ये डेफोडिल्स होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक जंगल में घूम रहे थे, और तभी वहाँ उन्होंने डेफोडिल्स के फूल देखे, और फूल देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। 15 अप्रैल 1802 की बात है ये। 15 अप्रैल 1802 में वो अपनी सिस्टर के साथ इस बगीचे में घूम रहे थे, तब उन्होंने डेफोडिल्स के बहुत सारे फूलों को देखा और मन प्रसन्न हुआ। तो लगभग 1804 से 1807 के बीच में उन्होंने इस पोइम को कंपोज किया था, 1804 से 1807 के बीच में। दोस्तों, आपको पता है कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो नेचर पोइट थे, और इनकी एज को रोमांटिक एज कहा जाता है, रोमांटिक एज से ये बिलोंग रखते हैं, और इनको इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। समय था ये 1700 से मिड 1800 का, 1700 से 1800 के मिडिल का जो समय था, इस एज को रोमांटिक एज कहते थे, और इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते थे। और ये किसी से छुपा नहीं है कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक नेचर पोइट थे, प्रकृति के संबंध में लिखते थे, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था, कोकर माउथ में, कम्बरलैंड, जो कि इंग्लैंड का एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हुई थी। पिता इनके जो थे वो थे जॉन कॉक्सन, और इनकी माँ का नाम था एन कॉक्सन, और इनकी शादी जिस महिला से हुई थी उनका नाम था मेरी हचिनसन, इनकी पत्नी का नाम था। और इन्होंने जो पोइट एज ए पोइट काम शुरू कर किया था 1793 में, 1793 में इन्होंने एज ए पोइट अपना करियर शुरू किया था दोस्तों। और इन्होंने जो पोइट्री लिखी थी वो नेचर से संबंधित लिखी थी, और इमोशन से संबंधित, ह्यूमन के इमोशन से संबंधित इन्होंने पोइम को लिखा था। 1797 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे एसटी कोलरिज से, सैमुअल टेलर कोलरिज से, 1797 में ये उनसे मिले थे, 1797 में, और 1798 में इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बेलार्ड लिखा था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और इसी लिरिकल बेलार्ड में ही डेफोडिल्स पोइम हमें पढ़ने को मिलती है। दोनों दोस्तों ने मिलकर लिरिकल बेलार्ड्स लिखा था, और उसी में ये डेफोडिल्स पोइम भी इनकी देखने को मिलती है। कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग नाम दिए थे, जैसे ब्राउनिंग जो थे इन्होंने लॉस्ट लीडर कहा था वर्ड्सवर्थ को, लॉस्ट लीडर, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये हार्बिंगर ऑफ नेचर थे। हार्बिंगर किसे कहा जाता है दोस्तों? हार्बिंगर कहा जाता है अग्रदूत को, पूर्वोधा, पायनियर जो होता है उसको कहते हैं। तो इनको हार्बिंगर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, और जो ब्राउनिंग थे उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा था। और लिरिकल बेलार्ड और प्रिल्यूड, इनके दो ऐसे कृतियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं रीडर्स के बीच में, रीडर्स इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन दोनों प्रतियों को। इनको 1843 में, यानी कि 1843 में अपॉइंट किया गया था पोइट लॉरिट। क्या होता है? एक तरह का पुरस्कार होता है, पोइट के संबंध में सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा पुरस्कार माना जाता है लॉरिट, पोइट लॉरिट बनाया गया था इनको 1843 में। तो दोस्तों, इस पोइम का जो असली नाम है ना, वो क्या है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये नाम है इसका आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड।
ये इस पोइम का रियल नेम है। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये पोइम लिखी गई थी और 1804 से 1807 के बीच में लिखी गई थी। ये सारी बातें जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ये सारी बातें, सारी की सारी बातें जो हैं अपन लिख के भी देखेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा हो, ठीक है। उसके बाद अगर रियल इस पोइम का जो हम कह सकते हैं शीर्षक था, टाइटल था, वो ये था आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मतलब मैं बादल की तरह भटक रहा था अकेला। और इस पोइम को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है। इसकी राइम स्कीम ए बी ए बी सी सी है दोस्तों, और कैसे बनी ये राइम स्कीम उसकी भी बात करेंगे। इसमें टोटल जो है चार स्टांजा है, छः छः लाइन के चार स्टांजा है। इस तरह से टोटल इस पोइम में जो है 24 लाइन हैं, और इसमें अगर अपने राइम स्कीम की चलो बात होगी, ये थीम जो है इसकी वो नेचर नेचर थीम है, और इसमें सिमिली का, मेटाफर का, पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है वर्ड्सवर्थ ने किया है। तो दोस्तों इस पोइम को तो पहले बाद में पढ़ेंगे हम, पहले हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की, वर्ड्सवर्थ के जीवन की। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड्सवर्थ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पोइम जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है डेफोडिल्स, डेफोडिल्स ये है पोइम का नाम, पोइम का नाम है डेफोडिल्स। ओके, पोइम का नाम है डेफोडिल्स। रचना इस पोइम की हुई थी लगभग 1804 से 1807 के बीच में इस पोइम को कंपोज किया गया था, लेकिन बात है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1802 की। 15 अप्रैल 1802 को जो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ एक जंगल में घूम रहे होते हैं या एक बगीचे में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर ये बहुत सारे डेफोडिल्स फूल को देखते हैं, फूलों को देखते हैं डेफोडिल्स। डेफोडिल्स फूल कैसे होते हैं अभी मैंने आपको बताया था। तब इनके मन में इस पोइम को रचना कर रहे, इस पोइम की रचना करने की आई, तब ही इन्होंने 1804 से 1807 के बीच में इस पोइम को दोस्तों कंपोज किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ जो थे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु क्यों हुई, और इन्होंने एज ए पोइट अपना करियर कब शुरू किया, ये सारी बातें अपने यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों इनके बर्थ की बात करें, इनका बर्थ कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 में। और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। 28 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हुई थी। ये जो इंग्लैंड का एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था जिसको कम्बरलैंड कहते थे, कोकरमाउथ कम्बरलैंड, उस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। पिता जो थे इनके, इनके जो फादर थे उनका नाम क्या था, इनके फादर का नाम था जॉन कुकसन, ठीक है। और इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था एन कुकसन। और इनकी जो स्पाउस यानी कि इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था दोस्तों मेरी हचिनसन, ठीक है, ये इनकी वाइफ का नाम था। तो ये तो हुई कहानी किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। और अगर कहानी जानना चाहते हैं आप तो देखिए और कहानी भी बताते हैं इनकी। इसके बाद ये जो पीरियड, किस पीरियड से ये रिलेटेड थे ये बात की जाए, कौन सा पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का इनसे संबंधित है, तो दोस्तों ये रोमांटिक पीरियड से संबंधित थे। कौन से पीरियड से, रोमांटिक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, जिसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। ये समय कौन सा था, ये समय था लगभग 1700 से मिड
1800, ये समय था रोमांटिक पीरियड का और इसी एज से संबंधित थे कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। और एज ए पोइट इन्होंने अपना करियर प्रारंभ किया था कब, 1793 में एज ए पोइट इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। इनको नेचर पोइट कहा जाता है, नेचर पोइट कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के संबंध में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हैं और ये इंट्रोड्यूस हुए थे किससे, ST कोलरिज से। ST कोलरिज जो थे वो इनके खास मित्र माने जाते हैं। ST कोलरिज से ये मिले थे 1797 में, और इन्होंने, ST कोलरिज ने और वर्ड्सवर्थ ने दोनों ने मिलकर एक रचना की थी 1798 में, और जिसका नाम था लिरिकल बेलार्ड्स। लिरिकल बेलार्ड्स इसकी रचना इन्होंने की थी, और इसी लिरिकल बेलार्ड में हम पोइम पढ़ते हैं डेफोडिल्स, ठीक है दोस्तों। और लिरिकल बेलार्ड के अलावा इन्होंने एक और रचना की थी प्रिल्यूड। प्रिल्यूड ये दोनों बहुत ही फेमस हुई थी, लिरिकल बेलार्ड और कौन सी, प्रिल्यूड। और इनके संबंध में आगे बात करें तो इनको उपनाम दिया गया था, उपनाम दिया गया था किसके द्वारा, ब्राउनिंग के द्वारा। ब्राउनिंग एक बहुत ही फेमस पोइट थे। ब्राउनिंग ने इन्हें कहा था द लॉस्ट लीडर, द लॉस्ट लीडर, ये ब्राउनिंग ने इसे इन्हें कहा था। और इन्हें जाना जाता हार्बिंगर ऑफ नेचर के रूप में, हार्बिंगर ऑफ नेचर, इन्हें हार्बिंगर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और हार्बिंगर का अगर आपको पता नहीं है अर्थ का, तो इनको हार्बिंगर को कहा जाता है दोस्तों अग्रदूत, पूर्वोद्धा कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पाइनियर, नेतृत्व करने वाला उसको कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इस पोइम की, उसके बाद बात करते हैं इस पोइम की जिसको हम पढ़ेंगे। पोइम का नाम डेफोडिल्स है ना। इस पोइम की बात करें तो इसका ओरिजिनल जो टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल क्या है इस पोइम का, आई वॉन्डर लॉन्ली, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, ये इस पोइम का ओरिजिनल टाइटल है। और इसमें ज़्यादातर ना सिमली और मेटाफर का प्रयोग हुआ है, हालांकि पर्सोनिफिकेशन का भी हुआ है, सिमली एंड मेटाफर इसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, कहीं कहीं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ भी हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का, मानवीकरण कहते हैं जिसको। और इसमें, इस पोइम में क्या है, चार स्टांजाज हैं। कितने स्टांजाज हैं, चार स्टांजाज हैं, और प्रत्येक स्टांजा में 6 लाइन्स हैं। इस तरह से टोटल 24 लाइन्स जो हैं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। और हम इसके अगर बात करें उसकी कि इसमें किस टाइप की राइम स्कीम है, इस पोइम की राइम स्कीम की बात की जाए, राइम स्कीम अगर इस पोइम की राइम स्कीम की बात करें तो दोस्तों इसमें राइम स्कीम है AB AB और CC CC CC, ये राइम स्कीम है। लेकिन ये राइम स्कीम कैसे बनी अपन देखेंगे। इसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ हुआ है, मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ हुआ है। और ये जो पोइम पब्लिश हुई थी किस में हुई थी, लिरिकल बेलार्ड्स में, लिरिकल बेलार्ड्स में इसको पब्लिश किया था, लिरिकल बेलार्ड्स में ये पोइम पब्लिश हुई थी, ठीक है। और जॉइंट वेंचर था किसका, लिरिकल बेलार्ड जॉइंट वेंचर था ST कोलरिज का और वर्ड्सवर्थ का, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा था लिरिकल बेलार्ड्स, और उसी में ये पब्लिश हुई थी पोइम। कौन सी, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड, या फिर हम इसको कह सकते हैं डेफोडिल्स। तो आइए पोइम को पढ़ते हैं डेफोडिल्स को, और जानते हैं कि इसमें किस किस का यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का, सिमली का, या और किसी चीज़ का। आपने, आपको डेफोडिल्स देखने हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये डेफोडिल्स हैं। और पोइम की स्टार्टिंग करते हैं अपने यहाँ से।
देखो हमारे पास पोइम है आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों ये पोइम लिखी थी। क्या बोल रहे हैं, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, ये कह रहे हैं कि मैं बादल की तरह भटक रहा था। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं जैसे बादल होता है ना अकेला, उस तरह से भटक रहा था। और यहाँ पर देखो एज का प्रयोग हुआ है, एज ए क्लाउड, यानी कि यहाँ पर यूज़ हुआ है किसका, सिमली का। और फिर बोल रहा है दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, और ये जो बादल हैं जैसे पहाड़ों पर चले जाते हैं, घाटियों पर चले जाते हैं, अकेले ऐसे घूमते रहते हैं, उसी तरह मैं भी घूम रहा था। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, फिर मैं अकेला घूम रहा था, अचानक मेरी नज़र एक भीड़ पर पड़ी, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। और जो भीड़ थी ना वो किसकी थी, डेफोडिल्स की थी। होस्ट यहाँ पर ग्रुप को कहा गया है, एक ग्रुप, होस्ट का अर्थ यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप पर, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। और ये भीड़ किसकी थी, ये डेफोडिल्स फूलों की थी, बिसाइड द लेक, और ये फूल कहाँ थे, बिसाइड किनारे पर, पास में लेक के किनारे पर थे, और बीनीथ द ट्री, और पेड़ों के नीचे थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये फ्लटरिंग हो रहे थे मतलब घूम रहे थे, इधर उधर छितर रहे थे, हिल रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ब्रीज हवा में ये जो है ना हिल रहे थे और डांस कर रहे थे और बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों इन लाइनों को देखें तो हम ये 1 2 3 4 5 6 6 लाइनों का ये एक स्टांजा है, ऐसे 4 स्टांजा इस पोइम में हम देखने को हमें मिलते हैं। इस तरह से टोटल जो है इस पोइम में 24 लाइनें हमें मिलेंगी। अब देखते हैं हम राइम स्कीम क्या है। देखो क्लाउड, डे की आवाज़ आ रही है ना यहाँ, इसको ए मान लिया। फिर हिल्स, ये दूसरी आवाज़ आ गई, से की बी। फिर क्राउड, क्लाउड की तरह आ गया, ये ए आवाज़ आ गई। फिर डेफोडिल्स जैसे हिल्स, ये बी। फिर ये नई आवाज़ आ गई, ट्रीज और ब्रीज, सी सी। तो यहाँ पर क्या स्कीम बन गई, ए बी सी और सी, बस यही पूरी राइम स्कीम पूरी पोइम में चलती है। तो इन 6 लाइनों का अर्थ क्या है कि आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड, में बादल की तरह आवारा घूम रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर घाटियों और पहाड़ों में घूमता है। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, फिर अचानक मैंने एक भीड़ देखी, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और ये भीड़ किसकी थी, ये डेफोडिल्स फूलों की थी। बीसाइड द लेक, जो ये फूल कहाँ थे, लेक के किनारे थे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये जो फूल थे डेफोडिल्स के, ये बहुत खुशी से झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, और कहाँ, हवा में। तो इन 6 लाइनों के बाद हमारे पास नेक्स्ट 6 लाइन आती हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ये कह रहा है कि ये जो फूल थे ना, ये लगातार शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, गैलेक्सी होती है ना वाइट वाइट, बहुत सारे तारों का झुंड दिखाई देता है आसमान में कभी कभी हमारे को, तो सेम ये वैसे ही जैसे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे छोटे छोटे चमक रहे होते हैं, उसी तरह ये जो है वहाँ चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे चमक रहे हों। दे स्ट्रेच्ड एंड नेवर एंडिंग लाइन, और वे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, और वो जहाँ तक नज़र जा रही थी वही दिखाई दे रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, बे होती है खाड़ी दोस्तों, इस तरह से यहाँ से जो कर्व शुरू होता है ना, यहाँ जहाँ से ज़मीन ख़त्म हो जाती है, तो ये उस हिस्से को मार्जिन कहा जाता है, खाड़ी का मार्जिन। तो ये कह रहे हैं उस खाड़ी के मार्जिन तक इन ये यही दिखाई दे रहे, जहां तक जमीन खत्म नहीं हो रही थी ना वहां तक ये दिखाई दे रहे थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, ग्लेंस होता है नजर, ये कह रहा है लगभग 10,000 मेरी एक दृष्टि में मुझे दिखे थे, यानी कि एक अंदाजा लगा रहे हैं कि मैं जहां तक देख रहा था ना, दूर दूर तक वही मुझे डेफोडिल्स ही दिखाई दे रहे थे, और मुझे लगता है कि मेरी एक नजर में कम से कम 10,000 डेफोडिल्स तो मुझे दिखे ही होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और वे अपने सिर को हिला रहे थे ऐसे, ये ऐसे जैसे मान लो कि ये फूल है डेफोडिल्स का, ये कभी इधर हो रहा था कभी इधर हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि वे खुशी से अपने सिर को हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। यहाँ पर फिर दोस्तों 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा स्टांजा है, और इसमें भी वही ए बी वाला जो है राइम स्कीम है, जैसे शाइन ए मान लेते हैं, वे बी मान लेते हैं, फिर लाइन शाइन की तरह आ गया,
फिर ए हो गया और वे की तरह बे आ गया, तो ये बी और ये दो अलग, ग्लेंस और डांस ये सी सी। तो फिर इस स्टांजा में भी राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी, ये राइम स्कीम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पूरी पोइम में यही राइम स्कीम चलेगी। चलिए नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं, फिर चार लाइन का ये स्टांजा है, तीसरा स्टांजा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, और ये जो फूल डांस कर रहे थे ना, और वहाँ पर जो झील थी उसकी जो वेव्स थी ना वो भी डांस कर रही थी, बट दे आउट डिड, लेकिन वे उतनी ज़्यादा अच्छा डांस नहीं कर रही थी, द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, जितना ये बहुत चमक के साथ डांस कर रहे थे ना फूल, उतना ज़्यादा डांस जो है वो वेव्स नहीं कर रही थी। हालांकि वेव्स भी डांस कर रही थी, वो लहरें जो थी ना वो भी डांस कर रही थी, लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा डांस नहीं कर रही थी जितने ये फूल कर रहे थे। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी। गे का अर्थ यहाँ पर दोस्तों होता है खुश होना, कि एक पोइट होने के नाते मैं वहाँ बहुत खुश हुआ था उस प्रकृति को देखकर, इन जोकंड कंपनी, जोकंड मतलब खुशनुमा, खुशनुमा उस खुशनुमा, उन फूलों की खुशनुमा कंपनी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उनको बस घूर ही रहा था, घूर ही रहा था। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और जो मेरे मन मन के अंदर जो विचार आ रहे थे वो सिर्फ उन फूलों के ही आ रहे थे, और उनको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों फिर ये सिक्स लाइन है और वही रहीम स्कीम ए बी सी सी वाली है। फिर आता है लास्ट स्टांजा, फिर लास्ट स्टांजा क्या बोलता है, फॉर ऑफ, ऑफ्ट ऑफ का अर्थ होता है यहाँ ऑफन, व्हेन ऑन माई कोच, यहाँ पर कोच का अर्थ होता है दोस्तों सोफ़ा, और जब मैं अपने घर में, अब ये जो पॉइंट है अपने घर लौट आए हैं, और जब मैं अपने घर बैठता हूँ अपने सोफे पर, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं मेरे खाली समय में होता हूँ और उदास मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवार्ड आई, इनवार्ड आई का मतलब आंतरिक मन, ठीक है, अंतरात्मा, फिर अचानक मैं उन इन फूलों को याद कर लेता हूँ, जब मैं उदास होता हूँ ना इन फूलों को याद कर लेता हूँ, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे अकेलेपन में मेरे अंदर विचार आते हैं, जब मैं बैठा होता हूँ इन विचारों के साथ अकेला, तब मुझे फिर इन फूलों की याद आती है, एंड देन माई हार्ट विद प्लीजर फील्स, फिर मेरा दिल फिर खुशी से भर जाता है उन फूलों को देख कर, उस सीनरी को याद कर, ए डांस विद डैफोडिल्स, और मेरा मन जो है ना उन फूलों की तरह फिर नाचने लगता है, गाने लगता है। तो दोस्तों ये प्रकृति के संबंध में पोएम थी किन की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इनके संबंध में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अब आरपीएससी में इस पोएम से रिलेटेड आरपीएससी में 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन डेफोडिल्स पोएम से आए हैं, अगली क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। 2011 से 2022 में डेफोडिल्स पोइम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो कंटिन्यू जुड़िए रहिए हमारे साथ, पूरे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस को, चाहे वो ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे लिटरेचर वाला पार्ट हो, सारा का सारा पार्ट आपको कराया जाएगा। साथ ही इसमें 60 नंबर की साइकोलॉजी भी आती है, उस साइकोलॉजी को भी आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।